हेलो गाइस, दिस इज मयंक बाजोरिया। और कल मैं आपको बताया था कि मैं अपनी वेकेशन की प्रॉपर्टी की व्यू दिखाऊंगा आपको, तो चलिए दिखाता हूँ। अंदर से प्रॉपर्टी बड़ी सुंदर है और फिर समुद्र की एक व्यू भी दिखाता हूँ, बहुत सुंदर है। तो प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, एक्चुअली काफ़ी ओपन एरिया है और ये आप देख रहे होंगे ऊपर रोपवे है, अभी काम नहीं करती है। लेकिन ये आपको बता सकती है कितनी लंबी और कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। ये स्विमिंग पूल एरिया है और ये काफी अच्छी है एक्चुअली। और इसकी जो शेप है बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है, ओवल की तरह है। फिर स्विमिंग पूल के बाद आती है ये बोटिंग एरिया, जहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी भी एक्चुअली है। तो गाइज, ये जो बोटिंग एरिया है काफी अच्छी है एक्चुअली। प्रॉपर्टी के अंदर बोटिंग एरिया लाइक व्हाट एल्स, राइट? तो काफी कुछ कर सकते हो आप इस प्रॉपर्टी में एक्चुअली। सुंदर सी ब्रिज है, और ये आप देख सकते हैं ये क्रो है एक्चुअली, ये लाइव फिश यहाँ से उसने अभी कैच की है। काफी रॉ फिश एक्चुअली, फ्रेश है। तो नेचर की पूरी एक्टिविटी। ओके ओके, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, खा ले भाई। तो ये बोटिंग एरिया से अब हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली बीच एरिया। गाइस, आप देख सकते होंगे ये काफी अच्छी डेकोरेटिव आइटम है, बट अगेन आई मस्ट टेल यू, मेरी जो प्रॉपर्टी की थॉट्स, प्रॉपर्टी इतनी बड़ी होने के बाद भी वेल मेंटेन्ड नहीं है एक्चुअली। काफी इसमें कुछ किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर्टी पहले किसी और की थी, फिर कुछ लीगल डिस्प्यूट होने के बाद कोई और कंपनी ने बाय आउट कर लिया। अब ये प्रॉपर्टी इतनी अच्छी तरह से मेंटेन्ड नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अगर रेवेन्यू भी इस प्रॉपर्टी की काफ़ी अच्छी और हो सकती है, लेकिन ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस अच्छी नहीं है आई थिंक। और ये समुंदर बीच मेरी फेवरेट एरिया, जहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। ये भी एक्चुअली रूम्स है, ये कॉटेजेस नहीं है, ये रूम्स है एक के बाद एक। बट इसके एडवांटेज इस रूम की ये है कि ये सी फेसिंग रूम्स है, तो दिस इज अ गुड साइड। तो गाइज, ये मेरी प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, मेरी मतलब जहाँ पे भी रह रहे हैं। और ये हो गई ओशन, आई जस्ट लव ओशन। जैसे मैंने पहले भी बोला, आई एम श्योर कि आप लोग भी ओशन में आते होंगे, समुंदर में आते होंगे साल में एक बार दो बार। अगर नहीं आते तो प्लीज आओ, आना चाहिए, इज गुड फॉर हेल्थ। एंड नोबडी कैन बीट गोवा, गोवा इज गोवा, इसकी जो एनर्जी अलग है। लेकिन ये बंगाल की जो ओशन है, मंदारमनी ओशन साइड जगह है मंदारमनी, ये भी काफी अच्छी है। एंड अब मैं जा रहा हूँ बात लेने यार, अब टाइम है मेरे शावर लेने की, बीच में मेरी फेवरेट मोमेंट। एंड विल सी यू आफ्टर दैट। विटामिन सी नहीं, SEA, विटामिन सी मेरी पूरी हो गई, एंड अब मैं भरूंगा आगे अपने रूम की तरफ, ब्रेकफास्ट की तरफ एक्चुअली। और गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है सी बीच में, अगर आप जाते हो तो। वाटर प्रूफ भी है, काफी लंबी है और काफी कुछ कैरी कर सकती है, तो उसको जरूर आप कंसीडर कर सकते हो रादर देन सम क्लोथ बैग और लेदर बैग। तो गाइज, मैं वापस जा रहा हूँ अपनी सिटी में। एक्चुअली 3 दिन की छुट्टी मेरी शॉर्ट हो गई है, 3 दिन की छुट्टी एक दिन में हो गई है, क्योंकि कुछ पर्सनल इमरजेंसी काम आ गई है। एंड तो मेरी छुट्टी खत्म, एंड मिलते कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।